YouTube पे गाना बनवाना आजकल का एक ट्रेंड है, अपना ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो निकलवाना या यूं कहें कि सोलो सॉन्ग हमारा आए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका एक गाना बने, स्टूडियो में गाना बने, रिकॉर्ड हो और अपलोड हो, चैनल पे ट्रेंड बने और व्यूज़ अच्छे खासे आए, फेम हो जाए। तो उसकी कुछ ये समझिए एक गलत फहमियाँ हैं कुछ लोगों को, वो आज मैं दूर करने जा रहा हूँ कि कैसे गाना बनता है और गाना बनने के बाद का क्या प्रोसेस है। YouTube पे तो सब आना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रमोशन? वो लोग नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, और कैसे बिना प्रमोशन के, लैक ऑफ प्रमोशन से, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट से वो गाना ठप्प हो जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। गाना सब लोग बनवाना चाहते हैं बट उसके पीछे की हिस्ट्री क्या रहती है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आप हमसे लाइव बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान है ये एप्लीकेशन, संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। दैरो हरम में बसने वालों, दैरो हरम में बसने वालों, मैं खानों में फूट न डालो, मैं खानों में फूट न डालो, दैरो हरम में बसने वालो। आरज़ो लब सादा रहने दो, आरज़ो लब सादा रहने दो, ताज महल पे रंग न डालो, ताज महल पे रंग न डालो, दैरो हरम में बसने वालों। जगजीत साहब की गाई हुई एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल है, और जैसा कि वो करते हैं एक्सपेरिमेंट अपनी गज़लों में, तो इस गज़ल में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है वो आप सुनिएगा जब आप ये सुनेंगे कि उसमें कोरस का जो है बहुत ही बखूब यूज़ उन्होंने किया है, और बाकायदा जो शुद्ध सारंग का जो चलन है उसमें उन्होंने सरगमें डाली हैं, तो आप उसको सुनिएगा ज़रूर। खैर, आज के टॉपिक पर आते हैं। ये सवाल, या यूँ कहें इस बात को आप लोगों तक पहुँचाने का ख्याल मेरे जहन में तब आया जब एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया, फ़ोन किया, कि क्योंकि हमारा भी म्यूज़िक स्टूडियो आप जैसा देख सकते हैं, और मैंने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है SPW स्टूडियोज़ के नाम से, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे गाना बनता है और कैसे हमारा स्टूडियो है और कैसे आप बनवा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि एक गाना हम बनवाना चाहते हैं, तो क्या आपके चार्जेस हैं और कैसे क्या प्रोसेस है, मैं फलां जगह से हूँ और मैं कैसे रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। तो मैंने वही जानकारी जो मैं आप सभी से लेना चाहूँगा जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, या कोई भी आप किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र से या स्टूडियो वाले से संपर्क करेंगे तो आपसे चंद जो इन्फॉर्मेशन लेता है, वही मैंने उससे भी पूछी कि किसके शब्द हैं, किसकी कॉम्पोजिशन है, गाने वाला कौन है, है ना। ये मुख्य तीन चीज़ें होती है गीत में कि भाई शब्द होंगे, कोई एक गीतकार है उसका, एक संगीतकार है और एक गायक है उसका, तो वो कौन कौन है। तो उसने बोला वो मैं ही हूँ, मेरे पास शब्द हैं, मेरे पास धुन है, मैं गाना लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ और मैं ही गाने वाला हूँ। मैं कहा ठीक है, गाना बन गया, तैयार हो गया, फिर क्या करोगे, इसको पब्लिश कहाँ करोगे? तो बोले यूट्यूब पर डाल दूंगा गाना। मैंने कहा अच्छा, यूट्यूब पर कौन से चैनल पर आप डालेंगे? तो मेरा खुद का चैनल है, तो मैंने यही पूछा। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपके? तो बोले नहीं नहीं अभी तो नहीं है, अभी बनाऊंगा मैं चैनल। मैंने कहा चलिए बेहतर, नया चैनल आप खुद के नाम से चैनल क्रिएट करेंगे, उस पर आप खुद का गाना अपलोड करना चाह रहे हैं, यानी अच्छी बात है, ओरिजिनल वर्क है, आप अपनी खुद की कंपोजिशन एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिसको कहते हैं वो आप करने जा रहे हैं बिना किसी लेबल के अंडर, यानी जैसे T-Series, Venus, इनके पास न जाकर आप खुद का लेबल उसमें लगाना चाहते हैं, खुद के नाम से आप उस गाने को प्रमोट करेंगे और जाहिर है उससे आप नाम, फेम, मशहूर होना चाहेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, तभी आपको आगे जाके दूसरे प्रोग्राम मिलेंगे, आपके गाने जो है दूसरे लोग सुनेंगे। एक वीडियो
आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, जो इसी साल के शुरुआत में मैंने रिलीज़ किया है, कि एक सिंगर के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए, संगीत सीखने के लिए, सिंगर बनने के लिए फेम ज़रूरी है या टैलेंट। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, उसका जिस्ट मैं अभी आपको दे देता हूं, कि एक सिंगर के पास, एक म्यूजिशियन के पास अपनी ऑडियंस होनी चाहिए। अगर उसके पास अपनी ऑडियंस नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछेगा, है ना। या तो आप में बेशुमार टैलेंट हो तो आपको एक म्यूजिक कंपोजर, कोई डायरेक्टर जो है पकड़ेगा और आपको चांस देगा, या तो आप में बहुत सारा टैलेंट है, या फिर आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है। क्योंकि कोई प्रोड्यूसर पैसा क्यों लगाएगा अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, वो क्यों नुकसान झेलेगा, है ना। तो ये एक रीज़न रहता है। अब यही रीज़न मैंने उस व्यक्ति को भी दिया कि आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, आपके पास कोई चैनल नहीं है, तो आप नए चैनल पे इतना खर्च करके, क्योंकि गाना बनवाना, मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर किसी नॉर्मल स्टूडियो में जाएंगे तो भी कम से कम 10 से 15 हज़ार तो उस गाने में लगेंगे ही, फिर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अब वो व्यक्ति ये भी चाह रहा था कि मैं इसका वीडियो भी बनवाऊँ, ऑफिशियल वीडियो भी बनाना चाह रहे हैं आप इसमें, है ना। तो चलिए, शूटिंग का खर्चा और एडिटिंग का खर्चा, फिर उसको आप अपलोड करें, अपलोड करना तो फ्री है, यूट्यूब पर चैनल बनाने के पैसे नहीं लगते। मगर फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा इस पर व्यूज़ कैसे आएंगे, आप इसे प्रमोट कैसे करेंगे। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि प्रमोट तो अपने आप होता है, अपने आप हो जाएगा, गाना चल जाएगा अपने आप। ये वो गलत फहमी है जो लोगों को होती है कि गाना अपने आप चल जाता है। अपने आप कुछ नहीं होता है। बिना प्रमोशन के कोई मूवी तक हिट नहीं हो सकती है जो बहुत बड़े बजट की है, जो बड़े आर्टिस्ट की है, बड़े कलाकार की है, बड़े अभिनेता की है, वो नहीं चल सकती। तो आप तो अभी एक नए आर्टिस्ट हैं, आपका गाना कैसे चल जाएगा। सैकड़ों लोग हैं जो गाने बनवाते हैं, सैकड़ों लोग हैं जो गाना अपलोड करते हैं, और सैकड़ों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा गाना भी ऐसे हिट हो जाए जैसे किसी फलां सिंगर का हिट होता है। लेकिन कोई भी गाना हिट करने के पीछे, कोई मूवी हिट होने के पीछे कितना प्रमोशन होता है वो उन लोगों को नहीं मालूम है। जगह जगह उसके पोस्टर लगते हैं, जगह जगह जाके खुद डायरेक्टर्स, एक्टर्स वो जाके प्रमोट करते हैं। आप देखते हैं द कपिल शर्मा शो, उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट आते हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने, करोड़ों खर्च होते हैं प्रमोशन पे, बनने में तो करोड़ों लगते ही हैं, कई बार तो ये भी हो जाता है प्रमोशन में मूवी बनने से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो वो क्यों कर रहे हैं अगर खुद ही प्रमोट हो रहा होता है तो। लेकिन वो खुद प्रमोट तब होता है जब आप एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं और आपकी अपने आप की एक ऑडियंस है। मैंने उस व्यक्ति को भी एग्जांपल दिया, आपको भी दूंगा। शाहरुख खान की एक मूवी आने वाली है अभी, पठान। किसी को नहीं मालूम है कब आने वाली है, किसी को उसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली है। जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इवन जो एक्टर हैं शाहरुख खुद, उन्होंने भी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है। लेकिन आज इतनी बड़ी हाइप है उस मूवी की कि भाई शाहरुख खान की पिक्चर आने वाली है, पठान है, और उसमें ये फलां हीरो है, वो ये है, ये वो है। वो कैसे हो रहा है, सेल्फ प्रमोशन कैसे हो रहा है, क्योंकि उस इंसान की एक ऑडियंस है, उस इंसान का एक फैन बेस है, उन्हें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, उनके फैंस प्रमोशन कर रहे हैं। तो वो कब बना, उस व्यक्ति ने भी जब अपनी पहली पिक्चर निकाली होगी तो खुद जाके प्रमोट किया है कि भाई मेरी मूवी आ रही है, देख लेना, है ना। हम भी यही किया करते थे जब हमारा चैनल नया नया बना था, तो जब कोई वीडियो डालते थे, कुछ गाना डालते थे, तो जाके लोगों को बताते थे कि ये हमारा वीडियो आया, आप देख लीजिए, शेयर करते थे उसको, बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, और ढींट बन के शेयर करते थे। आज भी ढींट बन के ही शेयर करते हैं कि भाई एक व्यक्ति को भेज दिया, अब उसको 50 बार भेज रहे हैं। जाहिर है उसको इरिटेशन होगी किसी भी व्यक्ति को, लेकिन आप बार बार भेज रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रमोशन होता है, ऐसे ही करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है प्रमोशन पे। आप पेड आर्टिस्ट लेते हैं जो आपके चीज़ें प्रमोट करता है, है ना। तो बिना प्रमोशन के कुछ मुमकिन नहीं है, कितना ही खर्च आप कर लें। तो मैंने उस व्यक्ति को भी यही सलाह दी, आप सभी को भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि आप भी चाहेंगे अपना गाना बनवाना, कौन नहीं चाहता है ना। लेकिन उसमें बहुत खर्च का काम है, ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ। आपका खुद का सेटअप भी होगा तो भी बहुत खर्च हो जाता है इसमें, है ना। मैंने तो दूसरों को पैसा न देना पड़े इसीलिए खुद का सेटअप किया, कि कब तक मैं बाहर पैसा देता रहूँगा गाना बनवाने के लिए। खुद का वीडियो सेटअप कर लिया इस चक्कर में, तो इन्वेस्ट किया बनिस्बत की यू नो किसी और को पैसा देने के। तो मैंने इन्वेस्ट किया था कि क्या होगा, मैं खुद का प्रमोशन करूंगा, खुद का प्रोडक्शन होगा तो कम खर्च लगेगा। एक बार खर्च लगा कैमरा वैमरा लेने में, माइक इक्विपमेंट लेने में, सामान इकट्ठा करने में, एडिटिंग सीखने में एक बार मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद मैं धीरे 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 जो है वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया कि इन फ्यूचर मैं चाहूँ जितने गाने निकाल सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पर एक चीज़ रखनी पड़ती है, रेगुलैरिटी। बिना रेगुलैरिटी के आपकी ऑडियंस आपको नहीं जानेगी। आज अक्षय कुमार को हर एक व्यक्ति जानता है और वो बहुत फेमस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हर महीने उनकी कोई ना कोई पिक्चर आ जाती है, वो छाए रहते हैं। यानी लाइमलाइट में बने रहना ये बहुत ज़रूरी है शुरुआती दौर के लिए। आप रेगुलर रहें यूट्यूब पे, निरंतरता ही रिजल्ट्स आपको देगी, और ये बहुत मुश्किल है। आप एक गाने पे 10,000 खर्च कर सकते हैं, एक महीने में एक गाना आया आपका, फिर आपने साल भर तक कोई गाना ही नहीं डाला, कैसे लोग आपको पूछेंगे, कोई क्यों आपका फ़ैन बनेगा, क्योंकि आप रेगुलर ही नहीं, कोई आपका कब क्यों वेट करेगा। वेट तो तब करे जब आपने रेगुलर बहुत सारा काम कर दिया है, और उसके बाद आप चुन चुन के फिर एक एक मूवी निकाल रहे हैं या एक एक गाना निकाल रहे हैं, तो फिर भी आदमी वेट करता है
है ना, लेकिन शुरुआती के लिए, शुरुआती दौर में अपना सिक्का जमाने के लिए, अपनी नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। गोविंदा साहब ने जब शुरू शुरू में इंडस्ट्री में आए थे, एक एक टाइम पे 18-18 फिल्में कर रहे थे वो, 18 फिल्में एक टाइम पे व्यक्ति ने साइन की थी। शाहरुख खान ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक बार में 5 पिक्चरें साइन की थी, फर्स्ट आर्टिस्ट 5 पिक्चरें एक बार में साइन करी, ताकि एक के बाद एक रिलीज हो तो तहलका मच जाए कि यार कौन आर्टिस्ट आया ये, कि जिसकी यहां भी पिक्चर है वहां भी पिक्चर है। हमको कैसे मालूम चलता है कि किसी नई कंपनी ने कोई नया इक्विपमेंट या कोई नया प्रोडक्ट निकाला है? उसका प्रमोशन होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आम जनता ये नहीं जानती है कि कोलगेट एक टूथपेस्ट है, वो ये जानती है कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट होता है। वो जाके दुकान पे बोलेगी कि भाई एक कोलगेट देना, तो वो टूथपेस्ट देंगे, है ना। कोई सा भी, कई लोग ये भी बोलते हैं एक कोलगेट का पेप्सोडेंट देना, है ना, या पेप्सोडेंट का एक कोलगेट देना, जबकि दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कोट किया था, लोग कहते हैं कि काम ऐसा करो कि आपकी पहचान वो काम बन जाए, कि मैं संगीत वाला हूँ ये मेरी पहचान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा काम करो कि काम की पहचान आप बन जाओ, काम की पहचान आप बन जाओ। आप सुनिए इस चीज़ को, संगीत को आमजन नहीं जानता है लेकिन तब भी तानसेन का नाम जानता है। जहाँ संगीत की बात होगी, हाँ यार तानसेन, एक लेमैन जो म्यूजिक नहीं जानता है वो भी जानता होगा कि हाँ तानसेन कोई चीज़ है ना। तबले को लोग नहीं जानते हैं, जाकिर हुसैन को जानते हैं। काम की पहचान वो व्यक्ति बन गया है, उस व्यक्ति की पहचान काम नहीं बना है। यानी ऐसा इतना डूब गए उसमें, इतना काम किया, इतना समर्पण दिया, इतनी मेहनत करी, इतना योगदान दिया कि उस काम की पहचान में बन गया कि जब जब संगीत का जिक्र आएगा तब तब तानसेन का नाम दोहरा जाएगा। इस लेवल का काम करना होता है, इस लेवल की साधना चाहिए होती है ना, कि उतना उतना दे दो उसमें। जब जब तबले का नाम आता है, एक आम आदमी जो संगीत का क ख ग नहीं जानता है वो भी कहता है जाकिर हुसैन कोई, हाँ कोई है व्यक्ति है कोई, जाकिर हुसैन वो तबले वाले है ना, ये सबके मन में आता है कि हाँ जाकिर हुसैन तबले वाले हैं, पहचान बन जाती है। इवन कहावतों में उतर आते हैं कि अरे जो तबला बजा कि अपने आप को बड़ा जाकिर हुसैन समझता है। आम आदमी भी ऐसा बोलने लग जाता है, वो जानता भी नहीं जाकिर हुसैन है कौन, वो बजाते क्या है, उनका जॉनर क्या है, तबले का क ख ग नहीं मालूम है। तो काम की पहचान बन जाओ, इतना काम करो, तो इतना काम करना पड़ता है, वो निरंतरता, वो रेगुलरिटी जब आप YouTube पे रखते हो तब जाके आपको कोई मिलता है ना। मेरे पिताजी का एक शेर है कि मंसूबे भुनाने में दिन रात लगा रहता हूँ, मंसूबे यानी प्लान्स, कि ये एक अटकल लगाई, ये एक पैंतरा लगाया, तो वो दिन रात में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी ये आइडिया लगाया, कभी वो आइडिया लगाया, तो मंसूबे बुनाने में दिन रात लगा रहता हूँ, कौन कब कामयाब हुआ याद नहीं, कौन सा कब कामयाब हो जाए आपको नहीं मालूम। इतने सारे वीडियोस मैं डालता हूँ YouTube पे, इतने सारे टॉपिक्स मैं इकट्ठे करता हूँ, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं हम लोग, कौन सा कब हिट हो जाए हमको थोड़ी मालूम है। हाँ जाहिर है आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण करिए कि कौन सा टॉपिक ऑडियंस को पसंद आ रहा है, किस टाइप का मार्केट में अभी चल रहा है और क्या सच है, और कैसे मैं उस सच को उस मार्केट की डिमांड के साथ जोड़ के फिर वो प्रेजेंट करूं, वो आपके ऊपर है, वो विश्लेषण है। लेकिन तब भी कोई गारंटी है क्या कि वो हिट होगा ही होगा? और उसको हिट कराने की गारंटी प्रमोशन देता है। अगर आपने बाकायदा उसका प्रमोशन किया है अच्छे से तो वो हिट होगा। तो YouTube पे जो भी आना चाहता है उसको मेरी ये सलाह है कि निरंतरता जरूरी है, यहाँ पे रेगुलरिटी जरूरी है एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए। तो फिर उन्होंने मुझसे यही पूछा उस व्यक्ति ने कि अच्छा आप मुझे ये कह रहे हैं कि इतना खर्च नहीं करूं मैं पहले गाने पे, फिर क्या करूं? तो मैंने यही कहा पहले नॉर्मल मिनिमम सेटअप और कम से कम खर्चा हो उसमें अपना काम करना शुरू कर दीजिए। YouTube पे डालिए अपना, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो भी है काम करना शुरू कर दीजिए, एक ऑडियंस बेस बनाइए, फिर आपको मालूम चल जाएगा हाँ यार एक ऑडियंस बेस तो बन गया, इतना तैयार हो गया, अब उसमें खर्च कीजिए, है ना। एक बार लगाया, इन्वेस्ट किया तो रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट आदमी क्यों करता है? बिना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अगर मैंने कहीं पैसा लगाया तो मैं चाहूंगा कि मुझे वापस कुछ मिले, तो उस गाने का मतलब क्या? उस गाने से कुछ तो मिले, या तो ऑडियंस मिले या पैसा मिले, दो में से कुछ तो मिले, क्योंकि वो दोनों में से कुछ मिलेगा तब जाके आप आगे काम कर पाओगे। वो इंसेंटिव हो जाएगा कि चलो ये रहेगा कि हाँ इससे पैसा मिलता है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, या इससे एक ऑडियंस मिलती है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो एक तरीका होता है ये, है ना। तो YouTube पे अगर बनना है तो निरंतरता चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक गाना निकल गया अब बैठ गए हम कि अब इस पे व्यूज़ आएंगे, अपने आप नहीं आ जाते हैं व्यूज़, जा के बोलना पड़ता है। आप भुवन बाम को जानते होंगे, बीबी की वाइन्स उनका चैनल है, आज करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छी फेम है। वो व्यक्ति भी ऐसे ही शुरू हुआ ना, आज उनका प्रोडक्शन है बीबी की वाइंस प्रोडक्शन, और उसमें विद यू नो मल्टी कैमरा सेटअप एंड द होल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आप देखिए कितनी प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर शूटिंग सब हुआ है, साउंड वीडियो सब इतना अच्छा है। उस व्यक्ति ने भी एक फ़ोन से ही शुरू किया था, एक फ़ोन से अकेले बैठ के वीडियो बनाए, एक कमरे में अपना, कोई माइक नहीं कुछ नहीं, फ़ोन से बनाए और डाल दिया, और निरंतर रहा वो व्यक्ति।
रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहे, कैरी मिनाटी हूँ, ये आज यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार्स हैं, इसीलिए इनका एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ये म्यूजिक फील्ड के नहीं है, भुवन तो फिर भी चलिए गाना गाते हैं, पर बाकी जो है म्यूजिक फील्ड के नहीं, पर इन लोगों ने निरंतरता रखी तब आज जाके अब ये प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। कैमरा ले लिया, थोड़ा माइक वाइक सेटअप कर दिया, अच्छा मूवी स्टाइल प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले निरंतरता, उससे ऑडियंस बनी, है ना। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लीजिए, उनके आज भी दिन के दो वीडियोस आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं उनके, आई गेस 20 मिलियन के क्रॉस होंगे उनके सब्सक्राइबर्स, देन टू दिन के दो वीडियो आज भी डालते हैं वो, क्योंकि रेगुलरिटी है ना। तो रेगुलरिटी बनाए रखिए, रेगुलरिटी अगर रहेगी निरंतरता से ही रिजल्ट मिलता है संगीत के अभ्यास में भी और यहाँ भी, ठीक है। तो खैर ये छोटा ओवरऑल एक टॉपिक था, जो भी यूट्यूब पे आना चाहता है, जो भी गाने बनाना चाहता है उसके लिए, तो सीखें इससे, जानें, कुछ सलाह लें इससे, हिदायत मैंने दी है तो शायद इसका कुछ असर हो, कुछ सोच बदले, नज़रिए बदले आपके, ठीक है। शुक्रिया।